गोरखपुर महोत्सव को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तत्परता से लगा हुआ है। इस बार गोरखपुर विश्वविद्यालय से गोरखपुर महोत्सव का स्थान बदलकर चंपा देवी पार्क में किए जाने के बाद जिला प्रशासन नागरिकों को कार्यक्रम स्थल और कार्यक्रम की जानकारी के लिए महानगर के विभिन्न स्थानों पर बड़ा बड़ा पोस्टर और होर्डिंग लगाकर जानकारी दे रहा है। गोरखनाथ मंदिर से यातायात कार्यालय पैडलीगंज होते हुए चंपा देवी पार्क तक जिला प्रशासन ने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं और गुब्बारों से सजाकर कार्यक्रम स्थल को महत्वपूर्ण स्थान बनाने की कोशिश की है, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सके। गौरतलब है कि 12 और 13 जनवरी को गोरखपुर महोत्सव का आयोजन इस बार चंपा देवी पार्क में किया गया है, जो रामगढ़ ताल के बगल में ही स्थित है। लोगों को कार्यक्रम स्थल में पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन ने भरपूर कोशिश की है और जगह जगह पोस्टर और बैनर के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित करने की भी कोशिश की है। फिलहाल 2 दिनों का महोत्सव दर्शकों के लिए बहुत ही मनोरंजनदायक और प्रेरणा स्रोत होगा। महोत्सव में मनोरंजन और साहित्य का समावेश देखने को मिलेगा और लोग उसी के साथ नौका विहार और रामगढ़ ताल का नजारा भी ले सकेंगे। इसी के साथ किसानों को नई वैज्ञानिक खेती और अन्य कृषि उपकरणों की भी जानकारी मिल सकेगी। लोगों को बैठने के लिए तैयारी में।